टिकाइज दिस इज़ पार्ट टू ये पार्ट टू है इन कंटिन्यूएशन जो हमने कल वीडियो करा था विच वॉज अबाउट वाट यू शुड नो अबाउट बल्कि ये है वॉट यू शुड नो अबाउट कटिंग कटिंग ऑब्वियसली यू नो हम सभी करना चाहते हैं यू नो मैं देखता हूँ जितने भी यंग लड़के हैं आजकल दे ऑल होना कैन इन टू द मैन फिजिक्स आपको मैन फिजिक्स में जाने का शौक है सबको सिक्स पैच चीज लगने का शौक है श्रेडेड द न्यू वर्ड द बज़ वर्ड सबको एस्थेटिक श्रेडेड रहने का शौक है इट्स अ गुड थिंग बट ऑब्वियसली दर आर सर्टन थिंग्स हमें सब कु, कुछ चीज़ें दिमाग में जहन में रखनी चाहिए यू नो इफ़ यू वॉन्ट गे टू कटिंग सबसे पहली बार जो मैंने आपको कल भी बोली थी इन मैं वीडियो ऑन बल्किंग मैं आज भी आपको बोलूँगा अगर आप नए हो या आप यू जस्ट स्टार्टिंग टू गेट फिट और आपको सिर्फ नया नया जिम ज्वाइन करें या यू फ्यू फ्यू ईयर्स और मंथ्स इन टू फिटनेस ऑलवेज रिमेंबर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको बल्क करना चाहिए कट करना चाहिए एज अ थम रूल ऑलवेज फर्स्ट पैक ऑन मोर मसल पैकऑन मसल मीन्स बल्किंग सो बल्किंग ही अब बल्किंग डोंट गेट इन टू द वर्ड बल्किंग की है बल्क मीन्स यू नो ही मास मॉन्सटर यह आपके ऊपर आपका जो गोल है बट ऑब्बियसली फर्स्ट यू नीड टू लर्न टू पैकऑन मसल बाई एडिंग मोर कैरिज कैरिज खा के वो मैंने कल बात कर ली इसके बारे में नाउ वॉट यू शूड एक्सपीरियंस इफ़ यू अगर आप कटिंग पे और जैसे हमने बल्किंग में बात करी कि यू नो आपको नींद बहुत आएगी आपको आपकी ब्रेथलेस प्रॉब्लम होगी आपको यू नो यूल फील वेरी स्लीपी ये सब उसके साइड इफेक्ट्स में या साइड इफेक्ट्स कह रहे हो या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं बल्किंग के अब कटिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं कह सो कटिंग इज़ द ऑपोजिट नाउ सबसे पहली बात इफ प्रिफरेंट टू कटिंग यूड बी वेरी 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 रेसलेस रेसलेस मतलब यू you नो know, uh, उतावले से कुछ ना कुछ करना है मतलब क्या करूं कैसे करूं बिकॉज ऑब्वियसली उसके कई रीजंस हैं क्योंकि सम पीपल व्हेन जो वो कटिंग करते हैं दे पुट लॉट ऑफ कैफीन इनटू टू वेट दुट लॉट ऑफ फैट बर्नर्स इनटू इट व्हिच इज़ रॉन्ग आपको सिर्फ डाइट के साथ थोड़ा मनिपुलेशन करना है ऊपर नीचे करना है अगर आपको रेस्टलेस से बचना है तो रेस्टलेसनेस से बचना है तो जस्ट प्ले ड्राउंड विथ योर डाइट कट डाउन योर काब्ज अपबेट लेकिन लोग क्या करते हैं वो बिल्कुल ही सारे काब्ज अपनी डाइट से निकाल देते हैं तो ऑब्वियसली यार तो रेस्टलेसनेस तो होगी होगी और रेस्टलेसनेस के साथ लीड टू पॉइंट नंबर टू क्रैंकीनेस चिड़चिड़ापन बिकॉज आपने सब कुछ खाना छोड़ दिया काब्ज जो आपको चाहिए थे यू आर नॉट हैविंग फूड जो आप पहले खा रहे थे यू नो इन योर फेजेज़ वो आपने बंद कर दिया ना ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ वेजीज़ पे या ग्रिल चिकन बॉयल चिकन बॉयल फिश पे ज़िंदा हो या वेजीज़ अगर आप वेजिटेरियन तो जीवन वर्स, सो ऑब्वियसली तो चिड़चिड़ापन तो आ ही जाएगा सो दिस विल हैपन guys, सो तभी मैं कहता हूँ आप कुछ भी करो कटिंग भी करो ऑलवेज़ रिमेंबर आप कटिंग बारह महीने नहीं कर सकते डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग इट इट्स इम्पॉसिबल इज नॉट इवन हेल्थी तो हमेशा छः से सात आठ महीने यू नो डू योर कट डू योर बल्क एड ऑन मसल उसके बाद डिसाइड कि हाँ मुझे दो तीन महीने आई शुड जस्ट यू नो सिक्स वीक्स एट वीक्स ट्वेल्व वीक्स डिपेंडिंग ऑन योर गोल कि मुझे अब थोड़ा कट कर लेता उसके बाद बैक ऑन बी यू नो 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 एडिंग ऑन मसल सो दैट यू कैन इन्जॉय ईयर लाइफ सो ऑब्वियसली करंट की नैस फ्यूचर्स चिड़चिड़ा फन से रेसलेसनेस uh, होगी आपको रेसलेसनेस पन के बाद फिर आपको नींद ना आना इन्फॉर्म नहीं आया अब मैंने जब भी कटिंग फेज पर कहूँगा इसकी मुझे हाँ रेसलेसनेस uh, तो बहुत ज़्यादा होती होती है उसके साथ नींद नहीं आती गाय मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है बिकॉज ऑब्वियसली आई यूज फैट बर्नर्स नींद नहीं आती कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि अगर अगर भाई आप वर्किंग करोगे तो उसमें तो नींद ही नींद रहती है इसमें साला नींद ही नहीं आती है तो तो मुझे याद है आ, आ, आपको नींद नहीं आ रही आप करोगे तो करोगे क्या नेगेटिव थाट्स यू नो यू जस्ट वंडरिंग आप बैठे बैठे सोच रहे हो क्या खाऊँ भूख लग रही है यू नो भूख लगने से आप करोगे तो करोगे क्या फोर्थ पॉइंट भी आ जाता है स्टावेशन यू नो यू फील हंगरी ऑल द टाइम हर टाइम आपको भूख लगेगी यार हर एक घंटे दो घंटे में आपको दिल करेगा कुछ खाऊँ कुछ खाऊँ कभी कभी घर में कुछ होगा कभी कुछ नहीं होगा तो उस भूख के कारण आपका स्वभाव और चिड़चिड़ा तभी तो मैं कहता हूँ तो कटिंग में वीन वे दे लव वन या गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड जो भी है गए उनको पहले ही बता के रखो कि भाई मैं कट फेज में जा रहा हूँ ये होने वाला अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करो तो इस गेट्स ईवन वर्स एट टाइम लास्ट का बॉडी बिल्डर एंड एथलीट वो आपको बताएंगे कि लास्ट के जो पंद्रह बीस दिन होते हैं इट्स इट्स इनसेन मतलब इतनी चीज़ें कर लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना तो कैज़ यू नो यू नो यू कैन डू अ वेरी मॉडरेट कट फेज जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बॉडी से पानी निकालेंगे विच इज़ ऑब्वियसली मिनिमाइजिंग योर काब्ज लेकिन कभी भी अपनी बॉडी से पूरे काब्ज मत निकाली इट्स नॉट वर्थ इट इट्स नॉट इवन इट्स ओली वो डू यू डैमेज की होगा क्या ना सबसे बड़ी गलती जो लोग कटिंग फेज में करते हैं यू नो दे कम्प्लीटली कट डाउन काब्ज जिससे मैंने आपको उससे होता है कि जो आपने मसल मास एक्वायर करा था अपने बल्क फेज में वो सारा पानी में चला क्या उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ आपने डिरोटिक्स ले लिए कहीं तो डोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं वाटर पेज लेने शुरू कर देते हैं पता नहीं क्या दुनिया भर की चीज़ें भूखे रहना शुरू कर देते हैं तो जो आपने मसल गेन करा उस बल्किंग फेज का फ़ायदा ही किया अगर आपने कुछ भी रिटेन नहीं किया लर्न टू रिटेन दैट मसल मास्क क्योंकि जो जैसे मैं आपको रूल बता हूँ अगर आप बल्किंग फेज बल्किंग फेज लगी पैकिंग ऑन वो मसल मास्क में हमेशा आपको रिएट्रेट करता रहूँगा अगर आपने छः किलो गेन किया छ किलो के साथ अगर आप कट फेज पे होते तो यू ओनली गोनो लूज वन टू टू किलोज चार किलो आपको रिटेन करना ही करना अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट बल्किंग फेज जो आपने जो भी कुछ लिया डाइट सप्लीमेंट कुछ भी इट्स ऑल डॉट द रेन इज नॉट वर्थ इट एट ऑल तो हमेशा जब भी आप कट करो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गायज मैंने बल्किंग फेज में मुझे कुछ लूज नहीं करना मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बॉडी से फैट घटाना जो मैंने एक्वायर कर लिया फ़ाइव लास्ट वन हमेशा याद रखिएगा कटिंग फेज़ में द मोस्ट क्रिटिकल वन जगह आप बल्किंग फेज में तो जब बॉडी में पानी आएगा ही आएगा हल्का सा फैट आएगा ही आएगा सिमिलरली वैन यू आर इन योर कटिंग फेज और आप बॉडी से फ़ैट निकालने की कोशिश करोगे थोड़ा सा मसल जाएगा ही जाएगा विच इज़ एब्सोलूटली ओके अभी कितना कम जाएगा कितना मसल मास गिरेगा ये आपके ऊपर है डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर कार्बन इनटेक इज कितना आपका ट्रेनिंग है कितनी आपकी डाइट है अगर आप बिल्कुल ही डाइट खत्म कर दोगे तो ऑब्वियसली से यू लूज ऑफ मसल मास अगर आप धीरे धीरे कम करोगे डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी इज रिएक्टिंग तो आप कम मसल मास लूज़ करोगे लेकिन कैस डू नॉट मेक द मिस्टेक आई मेड की भाई एकदम कट फेज में जाने के लिए मैं मैं तो छः किलो निकाल दूंगा बॉडी से इस हफ्ते में मैं तो चार किलो निकाल दूंगा दस किलो निकाल मैं आई आई सी दूँगा पीपल टॉकिंग अबाउट ऑल दिस नो गो ईजी गो स्लो एंड इन्जॉय दिस प्रोसेस गाइज आपको क्रैकि होने की जरूरत नहीं है एवन यू कैन कंटिन्यूअस्ली फीड योर बॉडी विथ का्स अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना तो यू कैन पुट लॉट मैनी अदर थिंग्स यू नो फॉर एग्जाम्पल यू नो यू कैन अब अफ अब हर चीज़ का एक तरीका लेने का गाइज यू कान जस्ट बी टेकिंग एनी थिंग कमजोर इन कटिंग और मैं देखता हूँ कि कटिंग के टाइम पर लोग क्या करते हैं दे टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैट बर्नर्स दे टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैफी दे टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर पेल्स ये सब चीज़ें दवा दवा के नई नई हमें तो कट रहना है हमें तो स्किन से पानी निकालना गाइस रिमेंबर जैसे ही आपने चीज़ें छोड़ी बॉडी फिर पानी पकड़ना शुरू कर देगी फिर फ़ायदा ही क्या उसका लेने का गायज अगर आप वो टेम्पररी है गाइस सो थिंक अबाउट इट डू समथिंग विच कैन लास्ट जो आपके रिजल्ट हमेशा रह सके अगर आप जिम छोड़ भी दो थोड़े टाइम के लिए फिर भी वो रिजल्ट आपके साथ रह सके गाय सो दिज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड नो यू आर कटिंग गाय ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे साथ जो हुआ है जो सबके साथ अगर आप कटिंग फेज में तो यू विल एक्जैक्टली नो वट एम टॉकिंग अबाउट गैचड़चरापन रेस्टलेसनेस स्टारवेशन भूख ना लगना नींद ना आना नॉर्मल है बट इसको आप कम कर सकते हो बाय एडिंग लिल बिट मो फिल मोर फूड थोड़ा सा खाना वाना डाल दीजिए एंड यू नो स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रोसेस ये नहीं किया मैं तो कट यू मैं तो नहीं कर सकता मैं तो वो नहीं कर सकता है इन्जॉय इट एंड यू सी दैट यू नो यू नॉट ओनली यू बी हैप्पियर बट इसकी जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी कम हो जाएंगी So I hope you liked it. Now I shall see you in my next video.